सर जी, एक फाइनेंस कंपनी है दुबई में और वहाँ पे ऑफिस बॉय की जॉब है और वीज़ा तो खैर कंपनी फ्री दे रही है, लेकिन जो सिलेक्शन करता है ना उन्हें कुछ चार्ज चाहिए सिलेक्शन करने के लिए। तो मतलब ये समझिए कि डायरेक्ट ही है, ठीक है। और पहले भी मेरे कई आदमी इसमें काम कर चुके हैं ऑलरेडी और अभी तक कर रहे हैं, तो इन्हें को फिर रिक्वायरमेंट है। तो आप देख लें, इसमें मैं बता दूं कि ऑफिस तो 8 घंटे की ड्यूटी है, लेकिन आपको ऑफिस के 1 घंटे पहले आना है और ऑफिस के 1 घंटे बाद जाना है, ठीक है। तो इसको अगर देखा जाए तो आपकी ड्यूटी हो गई 10 घंटे की, ठीक है। सैलरी अच्छी है क्योंकि फाइनेंस कंपनी है। जनरली जो सैलरी होती है ऑफिस बॉय की वो 1500 से 2000 दिरहम होती है, लेकिन इनकी सैलरी 2500 दिरहम है, ठीक है। क्योंकि सैलरी वगैरह कंपनियों की कैटेगरी पे डिपेंड होता है, ठीक है ना। ये चीज़ हो गया। और रहना, मेडिकल ट्रांसपोर्टेशन तो कंपनी दे रही है, खाना नहीं है, लेकिन स्टाफ के लिए जो चाय पानी नाश्ता जो रहता है, वो जो मेरे पुराने लड़के जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ना, ठीक है, उनको भी खाना बोला नहीं गया था, लेकिन जब वो वहाँ पे गए तो 2 टाइम का खाने का इंतज़ाम उनका वहीं से हो जाता था, ठीक है। तो इसमें भी मैं बता दूँ, इस बार भी यही है कि खाना का बोला तो नहीं है ना, मैं आपको कहूँगा, लेकिन अंदर जो स्टाफ हैं उनके लिए जो खाने पीने का सामान है देना तो आप ही लोगों को है, उसमें से आप अपना अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर इसमें करने का इरादा है तो आपको वही 35 वाले पैकेज में आना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, कुछ लोग शायद कन्फ्यूज़ हैं कि 35 वाला पैकेज क्या है, मैं बता दूँ, इंडिया के 35,000 में हम आपको वीज़ा दे रहे हैं, एयरपोर्ट से रिसीव कर रहे हैं, रहने का इंतज़ाम कर रहे हैं 1 महीने के लिए, और सेटिंग वाला काम हो या डायरेक्ट जो कंपनियां यहां पे हायर करती हैं उनका जो डिटेल्स हमारे पास आता है, आप लोग को तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी कंपनी कहां हायर कर रही है, किधर इंटरव्यू है, कब है, क्या है, वो हम लोगों को मालूम होता है, ठीक है। कौन सा काम डायरेक्ट है जिसमें 1 रुपया भी नहीं देना है, और कौन सा काम सेटिंग के थ्रू है जहाँ पर पैसा अगर सिलेक्शन के बाद दे देंगे तो आपका काम हो जाएगा, वो हमें मालूम रहता है, वो सारा डिटेल हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। एक्चुअली होता क्या है, क्यों बनाए मैंने ये चीज़, मैं आपको बता दूं कि अक्सर क्या होता है ना, बंदे जब यहाँ आते हैं तो मैंने जो काम उनको बताया होता है तो कभी कभी उनको उससे भी अच्छा काम किसी दूसरे के थ्रो या खुद वो किसी जगह से ढूंढ लेते हैं। फिर वो क्या करते हैं कि इमरान भाई जिसमें आपने हमको बुलाया था उसमें नहीं करेंगे, हम फला वाले कंपनी में जा रहे हैं, ठीक है, चलना बेटा रुक जाओ चलना, तो उसमें ये चीज़ होता है, ठीक है ना। फिर ये बंदे इधर उधर निकलने लगते हैं। एक चीज़ तो ये हो गया कि आप आज़ाद रहेंगे, अगर आपको मुझसे भी अच्छा कोई ऑफर मिल रहा है, खुद से ढूंढ लिया या आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार है उसके थ्रू, तो आप बेशक जा सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ हो गया। दूसरी चीज़, बहुत सारी कंपनियाँ जो फ्री में हायर करती हैं डायरेक्ट, खाली इंटरव्यू चल रहे हैं, रुक जाओ, जो इंटरव्यू की तैयारी आपको करनी है, अगर आपने इंटरव्यू की तैयारी अच्छी खासी कर ली है और टैलेंट है तो किसी को कोई सर्विस चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये इंडिया का जो 35 मैंने बताया वो प्लस टिकट आपका रहेगा, इसमें ही मतलब समझिए कि तकरीबन 50-55 हज़ार में ही आपका सारा काम हो जाना है, सब कुछ, उसके अलावा कोई पैसा नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर टैलेंट आपके अंदर नहीं है, आप इंटरव्यू फेस नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत है, ठीक है ना, तो फिर सेटिंग से थ्रू काम कराना पड़ता है, ठीक है, फिर सेटिंग के थ्रू काम कराना पड़ता है HR कंसल्टेंसी के थ्रू, या HR को कुछ पैसा वगैरह देके, तो उसमें भी सर्विस चार्ज कोई बहुत ज़्यादा नहीं रहता, 1000-1200-1500 रहता है, हाँ बहुत सैलरी अगर हाई है तो 2000 तक जाता है, और वो भी आपको तब देना है जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट में, ठीक है ना, उससे पहले कुछ नहीं देना, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें आप लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा है कि एक तो आने के बाद आप फ्री रहोगे, कोई हेडेक नहीं है, कहीं भी कोई भी जॉब आपको मिलती है किसी के थ्रू खुद से ढूंढ लिया या डायरेक्ट वाले में, तो आप एकदम फ्री हो, ठीक है। कभी कभी मसला क्या होता, बंदे आते तो बड़ी शौक से यहाँ पे, लेकिन कुछ ही दिन के बाद फिर वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आ रहा, ड्यूटी बहुत हार्ड है, सैलरी कम है, इतने में क्या खाएंगे क्या बचाएंगे, मेरा इंडिया वाला ही सही था, ठीक है। तो कुछ ना कुछ वो प्रॉब्लम बता के फिर इंडिया वापस चले जाते हैं, ठीक है, ये सच है, होता है, आते यहाँ बहुत हैं लेकिन रुकने वाले कम हैं, वापस जाने वाले ज़्यादा हैं तादाद, ठीक है। घूम घाम लिया दुबई, जी भर गया, उसके बाद चलो घर वापस, तो ये होता है। तो अगर ऐसा भी कोई कंडीशन है तो आपका भी कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं भी टेंशन फ्री रहूँगा कि बंदा आया, काम उसको समझ में नहीं आया, चला गया, हिसाब किताब बराबर है,
जैसे जैसे आया था जिस हिसाब से उसी हिसाब से वापस चला गया, ठीक है। तो ना मुझे कोई प्रॉब्लम ना आपको कोई प्रॉब्लम, तो इसीलिए ये चीज़ मैंने सेटिंग की है, ठीक है मेरे भाई। अक्सर यही देखा गया है कि बंदे को यहाँ जब तक बंदा नहीं आता ना, तब तक सोचता है कि यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, किधर जाएंगे, कैसे जॉब ढूंढेंगे। लेकिन जब यहाँ पे आ जाता है, मौजूद हो जाता है, तो उसको बहुत अच्छी अच्छी जॉब किसी न किसी सोर्स से उसको मालूम होने लगती है यहाँ आने के बाद। तो फिर वो चेंज होता मूड कि इस काम में आए थे लेकिन ये वाला नहीं करेंगे, उसमें जाएंगे, फिर वो वाला नहीं, उससे भी बेहतर एक ऑप्शन और आ गया, उसमें जाएंगे। तो बंदा क्या रहता है, फ्री रहता है, ठीक है ना। हम भी फ्री, बंदा भी फ्री, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये सिस्टम सेट किया है। तो देख लो, अगर ये ऑफिस बॉय वाले में किसी को जाना है तो पासपोर्ट का फ्रंट बैग, बैकग्राउंड फ़ोटो और CV, ठीक है ना। और काम क्या करना है मैं बता दूँ उसके अंदर में। स्टाफ का जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह है स्कैन करना है, उसको प्रिंट करना है, फाइल अरेंज करके रखना है, ठीक है ना। कंप्यूटर वगैरह सेट करके सही से रखना है, और इंटरनेट वगैरह है, ठीक है। तो इंटरनेट पे अगर वो कुछ काम बोलते हैं कि भाई इसको ये चीज़ मेल कर दो, या इसका कॉल, उसको इस नंबर पे कॉल करके ये चीज़ कह दो, ठीक है। फिर उनके चाय पानी नाश्ते का भी इंतज़ाम जो है वो भी आपको देखना है। तो मतलब ले दे के ऑफिस के अंदर में जितना भी काम है A to Z वो आपको करना है, ठीक है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और एक तरीके से बताऊं तो ये डायरेक्ट है ये जॉब, क्योंकि मेरी जान पहचान है उनसे, जिनकी CV मैं भेजूंगा उनको फट से वो तुरंत फाइनल कर देंगे, ठीक है। फ्री नहीं है, मैं बता दूं 1500 दिरहम सर्विस चार्ज लगेगा, वो भी आपको बाद में देना है, ठीक है, पहले नहीं देना है। आप जब यहाँ पे आ जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट और आपका वो 1500 दिरहम जो सर्विस चार्ज है, मैं बता दूं, देखो कंपनी चार्ज नहीं कर रही, कंपनी की तरफ से फ्री है। लेकिन जो बंदा बैठा हुआ सिलेक्शन करने के लिए, उसने खुद कहा है कि इमरान भाई जैसे आपने पहले वाले बंदों का दिया था, इस बार भी मुझे चाहिए, ठीक है। तो जो इस चीज़ पे एग्री है, मतलब ये मान के चलें कि डायरेक्ट सिलेक्शन है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। तो अगर करना है तो जल्द से जल्द से भी भेजो और बताओ। अच्छा ऑफर है, सैलरी भी ठीक ठाक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑफिस वाला अगर काम चाहिए इनसाइड का तो ये बेहतर है, ठीक है मेरे भाई।